नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, ये उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपकी लाइफ से तमाम तकलीफों को दूर करने वाला उपाय है। तकलीफें तो दूर करता ही है, लाइफ में पॉजिटिव इफेक्ट्स होना शुरू हो जाती है हर एक चीज में। धन आने में, घर का माहौल अच्छा रहने में, घर की जो नेगेटिव एनर्जी है जैसे कि जो भूत पिशाच जिन, इनको भगाने में, नौकरी धंधे अच्छे चलने लग जाते हैं, मतलब हर तरीके से ये जो उपाय है आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्लस साबित होता है। इसमें आपको दो चीज यूज करनी है, एक तो पानी, दूसरा शहद। पानी वो चीज है दोस्तों जो किसी का भी रूप धारण कर लेती है। पानी किसी भी चीज का रूप धारण करती है। पानी को आप पेड़ में डालो, पौधों में डालो, पौधे उसको चूस लेंगे और वो पौधे के रूप में ही आपको दिखाई देने लगता है। इंसान का शरीर इसमें 82% वाटर है। पानी, इसकी आप वाटर जो थेरेपी है, इसमें क्या होता है, पानी को हाथ में लेकर के जो आपके थॉट्स हैं, वो थॉट के साथ उस पानी पर कंसेंट्रेट किया जाता है। पानी का वही रूप हो जाता है जो उस समय आप सोच रहे हैं, और वो पानी वही काम करेगा जिस सोच के साथ उस पानी को आपने किसी को दिया है। कहा जाता है दोस्तों, जो अच्छे परिवार है, जो कुलीन परिवार है, अच्छे संस्कार है जिन घरों में, उन्हें के घर का पानी पीना चाहिए। शूद्र वर्ण के लोगों का, तामसी लोगों का, हिंसक लोगों के घर का, या जो बहुत ही कामी है, ऐसे लोगों के घर का पानी नहीं पीना चाहिए। आप देखो, जो लोग बहुत क्रोधी हैं, ये लोग सृष्टि का अंत कर देते हैं। जो कामी हैं, ऐसे लोग भी अंत कर देते हैं। जो हिंसक है ये भी अंत करते हैं। मतलब ये जो तमाम चीजें हैं, ये अंत की निशानी है। ऐसे लोगों का घर का पानी पिएंगे तो आपके अंदर भी वो चीज आएगी। आप देखना दोस्तों, कई घरों में जो परिवार की महिला है, जो भोजन पका रही है, वही अगर चरित्रहीन है, क्रोधी है स्वभाव की, झूठी है, चोर है, धोखेबाज है, तो उसकी संतानें कैसी होगी? उसी के जैसी। उसके साथ में जो रहते हैं, जो लोग जो उसके हाथ का भोजन करते हैं, वो भी उसी के जैसे हो जाते हैं और उस घर का नाश होने लग जाता है। पुरुष एक बार अच्छा हो ना हो, लेकिन महिलाओं को क्यों कहा जाता है कि आपको ऐसे बनना है, ऐसे बनना है? इतने सारे संस्कार महिलाओं को क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि महिला ही वो चीज है जो जगत जननी है। महिला ही अगर उल्टा हो जाए तो समाज का विनाश होने लग जाता है। घर में पानी भरकर रखने वाली कौन है? महिला। भोजन बनाकर देने वाली कौन है? महिला। आपको ग्लास में पानी भर करके कौन दे रही है? महिला। और ये वो पानी होता है जिसके हाथ का, जिसके घर में जैसे रखा जाता है, ये उसी का रूप धारण करता है और आपके अंदर एंटर होता है। तो पहली चीज आपको लेनी है पानी। पानी आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है उसको अपने अंदर खींच लेता है, आप ही का स्वरूप बन जाता है। दूसरा शहद। शहद दोस्तों पॉजिटिविटी से भरपूर चीज है, तमाम देवी देवता इसका स्वीकार करते हैं। तो इन दोनों ही चीजों को आप एक स्टील का लोटा ले लें और इसमें पानी भर दे और थोड़ा सा शहद डालकर अच्छे से मिक्स कर दे। कंटिन्यू अपने इष्ट देव का नाम स्मरण करते रहे। जब आप सोने के लिए जाते हैं तब आपको इस क्रिया को करनी है रात को। ये क्रिया दोस्तों आप रविवार के दिन करें, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, अन्यथा फिर जब भी आपको जरूरत लगे तब आप करें। आप सोते समय इन दोनों चीजों को मिक्स करके अपने सिरहाने रख दें, अपने तकिए के पास। यदि आप पलंग पर सो रहे हैं तो नीचे पलंग के नीचे रख दें, खटिया के नीचे रख दें। यदि आप फर्श पर सोते हैं तो तकिया से थोड़ी दूर पर रखें, बराबर। और इसको सिर के पास रख करके आप कंटिन्यू उन चीजों के बारे में सोचें जो आप चाहते हैं कि मेरे साथ ये हो, मेरे घर से गरीबी जाए, रोग जाए, मेरे शत्रुओं का नाश हो, जो भी आप चाहते हैं।
वो आप सोचते रहे सोचते रहे और उसके बाद आप सो जाए। ये क्रिया दोस्तों फिर से बता दूं, रविवार की रात आप करें बहुत बेस्ट रहेगा। हाँ कभी इमरजेंसी आप शनिवार के दिन करेंगे तो भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, अन्यथा वैसे आप इसको रविवार के दिन करें बहुत ज्यादा जरूरी लगता है तो फिर आप कभी भी करें। सोचने के बाद आप सो जाएं। दूसरे दिन सुबह आप इस पानी को लेकर के जाएं और पीपल के पेड़ पर चढ़ा दें। यदि आपने शनिवार के दिन इस क्रिया को किया है तो पानी आप रख दें, सोमवार के दिन जाकर के पीपल पर चढ़ाएं, और यदि रविवार के दिन किया है तो आप दूसरे दिन सुबह सोमवार के दिन इस पानी को पीपल के पेड़ पर चढ़ा दें और हाथ जोड़ करके लौटाएं। ये पानी दोस्तों अपने आप ही वो तमाम काम करने लग जाएगा जो आप चाहते थे। पीपल के पेड़ पर भगवान वासुदेव के साथ साथ कई प्रकार के योनियों के जीव आत्माओं का जीवों का वास है। ये तमाम वो लोग हैं जो आपकी इच्छाएं पूरी करते हैं, तमाम वो चीजें हैं। इस क्रिया को आप कंटिन्यू रखें, रविवार करते हैं तो 5 रविवार करें, यदि आप और किसी भी दिन करते हैं तो आप कंटिन्यू 5 दिन करें, सोमवार को करते तो सोम मंगल बुध गुरु शुक्र इस टाइप से 5-5 दिन आपको करना है। जब भी आप इसको करते हैं आप देखेंगे दोस्तों तुरंत आपके काम होने शुरू होंगे। करके देखें, कोई सी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछें। उपाय को करते रहें और हमेशा खुश रहें। जय श्री कृष्ण।